हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 के लिए सेशन है। इस सेशन में हम लोग चैप्टर 4 डेसिमल के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, तो 3 से 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, ये आपका पहला टॉपिक होगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग 3-4 टॉपिक्स को करेंगे। आइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर क्या करने जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर यानी दो डेसिमल नंबर्स का हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे आपस। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझिए। एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, डेसिमल नंबर्स पहले ले लिया। डेसिमल नंबर जैसे 0.1 × 0.1 दो डेसिमल नंबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। Then equal to का साइन लगाइए यहाँ पे। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 × 1 and 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1/1। अब जब मैं आपको डेसिमल चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि जो डेनोमिनेटर में 1 के राइट में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वही डिसाइड करेगा कि आपका जो डेसिमल नंबर होगा उसमें डेसिमल पॉइंट, ठीक है, किस पोजीशन पे होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है। 2 जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट में हमें 2 डिजिट दिखने चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 एक ही डिजिट था, तो हमें क्या लगाना पड़ा, 1 के लेफ्ट में 1 जीरो लगाना पड़ा ताकि ये 2 डिजिट का फिगर हो जाए। एंड 0 के लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, यानी ये पॉइंट दिख रहा है। तो इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन 0.1 × 0.1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.01। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, अब देखिए सॉल्यूशन में आते हैं क्या होगा, 52/10 × 52/10। अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 52 × 52 10 × 10 52 × 52 आप अगर मल्टीप्लाई अच्छी तरीके से सीखे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 52 × 52 क्या हो जाता है, 2704 एंड 10 × 10 क्या हो जाता है, 100। ठीक है, देखिए अगर आपको यहाँ कोई डाउट लग रहा है और वीडियो देखते हुए आपको लग रहा है कि कैसे आप चेक करेंगे, तो मैं आपको यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ। 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10 and 5 × 2 = 10, 10 + 10 = 20, 0 × 2 = 25, 25 + 2 = 27। तो ये आपका क्या है, 1 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन है जो मैं आपको सिखाऊंगा, बट तब जब आप हमारे सामने दिखेंगे यानी स्कूल में दिखेंगे। तो ये आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। इसमें हमने एक एग्जांपल देखा, उसमें हम बहुत ही आसानी से
जो ये पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट हमें कहाँ फिक्स कर रहा है, ये हमने समझा। दूसरे में हम कहाँ हैं, एंड तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ भी हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाया है ये देखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है। नीचे कितने हैं, वन के राइट में दो जीरो है, इसका मतलब 2704। अब राइट हैंड से चलिए, 1 2, यानी जीरो के ठीक लेफ्ट में क्या लग जाएगा आपका, वो डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। यानी इसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन के राइट में 2 जीरो। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, आइए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल 1, इसमें क्या है, हमने एक नंबर लिया 5.5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से। सॉल्यूशन में आइए, 5.5 को क्या लिख सकते हैं, 55/10 लिख सकते हैं इनटू 5। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 10 को हम चाहें तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ भी हमें कॉमन फैक्टर 55 में भी एंड 10 में भी, ठीक है, दोनों का ही कॉमन फैक्टर हमें 5 दिख रहा है, तो हम चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से, ठीक है। बट हम करेंगे नहीं ऐसा, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऐसा करना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, जो मल्टीप्लीकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ये जैसा है वैसा छोड़ेंगे। और क्या करेंगे, देखिए 55 × 5, क्योंकि यहाँ क्या था, 5/1 था, ठीक है, तो यहाँ 55 × 5 हो गया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हो गया, देन 10 × 1, ठीक है। अब आपका जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो फिगर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, 275/10, यानी जो पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आएगा, ठीक है, तो देखिए कहाँ आएगा, 27.5, यानी राइट चलेंगे एक डिजिट के ठीक लेफ्ट में आपको वो डेसिमल पॉइंट दिखेगा। क्यों ऐसा दिखेगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में 1 के ठीक राइट में हमारा कितना जीरो दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डेसिमल नंबर को किससे, होल नंबर के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर आपका हो चुका है, आई थिंक कि ये क्लियर भी हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय टेन 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड 10,000। अब आप देखिए, अगर ये आपको यहां नहीं दिख रहा है तो इसे यहां लिख देते हैं, एंड आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, कोई 5.5 × 10, हमने एक डेसिमल नंबर लिया है, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसे हमने क्या किया, 10 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 5
अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, एक जीरो और यहाँ टेन है, तो यहाँ पे क्या है, टेन इंटू टेन है, मैं दिखा देता हूँ इसको, फाइव टेन इंटू टेन इक्वल टू, तो यहाँ से एक टेन और एक टेन दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, फाइव टेन इंटू टेन, इसका मतलब है फाइव बाई हंड्रेड। अब जो आपका डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, यानी डेसिमल पार्ट के बाद राइट में कितने डिजिट्स बचेंगे, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिनोमिनेटर पे जो हमारा 100 है, ठीक है, आइए देखते हैं, 5 5 5 5 5, ठीक है, राइट हैंड से चलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 1 2 और यानी डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं, 2 डिजिट, दैट इज 5 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या देखने को मिला, अगर हम इसे सेंटेंस में डालना चाहें तो क्या डाल सकते हैं, यहाँ देखिए क्या डाल सकते हैं, द डेसिमल, द डेसिमल पॉइंट हैज शिफ्टेड बाय 1 place to the right। आप देख रहे हैं यहां कि यहां पे आपका जो डेसिमल पॉइंट था वो कहां था, तो 3 डिजिट के लेफ्ट में, यानी डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे। जो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला है, यानी फाइनल वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो वैल्यू में आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां दिख रहा है, वो दिख रहा है 2 डिजिट के लेफ्ट में फ्रॉम द राइट, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये जो डेसिमल पॉइंट था ये शिफ्ट कर गया किधर, किधर कर गया, तो 1 place टू द राइट, ठीक है, शिफ्टेड बाय 1 place टू द राइट, यानी यहां से खसक के कहां आ गया, तो इसी तरीके से आप जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द डेसिमल पॉइंट है शिफ्टेड उस मल्टीप्लिकेशन में, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस वैल्यू में, इसलिए मैं वहां हैज बोल रहा हूं कि द डेसिमल पॉइंट है शिफ्टेड by 2 place to the right, या फिर कह सकते हैं the decimal point will be shifted by 2 place to the right। जब आप 1000 से multiply कीजिएगा तो क्या होगा, the decimal point will be shifted by 3 place to the right, 10,000 से कीजिएगा क्या होगा, the decimal point will be shifted by 4 place to the right। तो आप 1 के राइट में जितने नंबर ऑफ जीरोस बिठाएंगे उतना डिजिट को आप काउंट कर लीजिएगा जीरोस को, ठीक है, एंड आप ये तय रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ आपके जीरोस है उतना क्या होगा, आपका डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, अगर आप उन जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके डेसिमल नंबर्स को, तो ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था चैप्टर 4 डेसिमल का, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम डिवीजन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और घर में पढ़ाई करते रहें, एंड होमवर्क जरूर बनाएं, डाउट क्लासेस में डाउट क्लियर करते रहें।